हे गाइस, आज हम बात करने वाले इंडिया के मोस्ट अवेटेड गेमिंग स्मार्टफोन ब्लैक शार्क 3 के बारे में, जिसने अपना कोलैब कर लिया टेंसेंट कंपनी के साथ। हाँ जी, आप सही सोच रहे हैं, पबजी गेम के ओनर टेंसेंट कंपनी। और आप अगर इस फोटो में देखें तो यहाँ पर इसका नाम चेंज हो चुका है, जो कि टेंसेंट ब्लैक शार्क 3 है। और ये दोनों कंपनी मिलकर अपना ब्लैक शार्क 3 लॉन्च करने वाली है चाइना में। यहाँ पर इसकी लॉन्च डेट रखी गई 3 मार्च 2020। तो ये फोन जो 3 मार्च को लॉन्च हो जाएगा, और यहाँ पे सभी इसके ऑफिशियल स्पेक्स आ चुके हैं, जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर क्या यहाँ पर डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, क्या इसका प्रोसेसर होने वाला है, और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ नए फंक्शंस जोड़े गए, जिसकी वजह से आपकी गेमिंग काफी ज्यादा इंप्रूव होने वाली है। तो आज हम उन पर ही बात करेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी एग्रेसिव प्राइस, जो कि काफी ज्यादा चीप होने वाली है, और आपको इसमें काफी ज्यादा मजा भी आने वाला है। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बात कर लेते हैं इस टेंसेंट ब्लैक शार्क 3 के डिस्प्ले से। तो यहाँ पर आपको 6.41 इंच की एक बिग स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाएगी, जो कि अमोलेड होने वाली है। तो ये इसका एक वीक पॉइंट बन जाता है कि आपको यहाँ पर सुपर अमोलेड डिस्प्ले देखने को नहीं मिलती है। और हो सकता है जब ये इंडिया में फोन लॉन्च हो तो आपको यहाँ पर सुपर अमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाए। और इसके रिफ्रेश रेट को देखें तो आपको यहाँ पर 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छी बात है। और आप अगर इस फोटो में देखें तो आपको यहाँ पर 270 हर्ट्ज दिखेगा। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए, ये यहाँ पर टच सैंपलिंग है, जो कि इस फोन को काफी ज्यादा बेहतर बनाता है। और अब इसके प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि एक 5G प्रोसेसर है। और यहाँ पर इसकी जो टेक्नोलॉजी बेस्ड होती है वो 64-bit आर्किटेक्चर पर बेस्ड होती है। तो ये काफी ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर होने वाला है। और इसकी गेमिंग को देखें तो यहाँ पर आपको Adreno 650 का ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप काफी अच्छी स्मूथ गेमिंग कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको इस बार एक नया फंक्शन भी मिल जाता है, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, आपको यहाँ पर एक बटन दिखाई दे रही होगी, जो कि एक टिप टॉप बटन है। क्योंकि इससे पहले आपको जितने भी ब्लैक शार्क के डिवाइसेस थे, वहां पर आपको एक प्रेशर बटन मिलता था, जिसमें आपको थोड़ी सी परेशानी होती थी। पर इस बार आपको यहाँ पर टिप टॉप बटन मिल रही है, तो ये काफी अच्छी बात है। और बात करें इसके रैम की, तो यहाँ पर काफी ज्यादा लीक्स आ रहे हैं कि इस बार आपको 12GB का वेरिएंट देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर अभी तक कोई भी रोम के बारे में अपडेट नहीं आया है, जैसे इसके बारे में अपडेट आएगा हम आपको भी अपडेट कर देंगे। और अब बात कर लेते हैं फाइनली इनके कैमराज की। तो यहाँ पर आपको रियर में साथ 2 कैमरा देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको प्राइमरी कैमरा वही 48 MP का और सेकेंडरी कैमरा 16 MP का देखने को मिल सकता है। और बात करें इसके फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पर आपको 24 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर अभी तक पता नहीं चला है कि आपको यहाँ पर नॉच कैमरा मिलने वाला है या फिर आपको पंच होल डिस्प्ले के साथ। तो जैसे ये भी डिटेल अपडेट होगी, हम आपको भी इसके बारे में भी अपडेट कर देंगे। और इसकी बैटरी स्पेस को देखें, जैसा कि आप इस लीक्ड फोटो में खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ पर आईक्यू 3 के साथ ब्लैक शार्क 3 का कंपैरिजन किया गया है। मतलब कि आपको यहाँ पर ब्लैक शार्क 3 के लिए 4720 mAh की लियोन बैटरी मिल रही है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक एडवांस अडेप्टर, मतलब कि आपको यहाँ पर 65W का एडवांस चार्जर मिलने वाला है। तो इस हिसाब से आप अपनी बैटरी को 35 से 40 मिनट के अंदर काफी तेजी से चार्ज कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर एक फोटो और दिखाना चाहूंगा, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, मतलब कि गाइस यहाँ पर आपको मिलने वाला है मैग्नेटिक चार्जिंग का सपोर्ट। तो इससे पता चल जाता है कि यहाँ पर काफी जल्दी टेक्नोलॉजी बदलाव ले रही है, मतलब कि यहाँ पर मोबाइल फोन में भी काफी ज्यादा नए से नए फीचर्स जुड़ते जा रहे हैं। और फाइनली बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बता दिया था कि इसकी जो प्राइस होने वाली है वो काफी ज्यादा चीप होने वाली है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये चाइनीज लैंग्वेज में लिखा हुआ है। चलिए मैं आपको कन्वर्ट करके बता देता हूँ, इसकी जो प्राइस होने वाली है बेस वेरिएंट की, वो कुछ 30,000 रुपए होने वाली है। तो गाइस यही थी हमारी तरफ से एक परफेक्ट वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।